तो आज की वीडियो में हम समझेंगे रीमर्स के बारे में, कैसे ये दिखते हैं, क्या इनका यूज़ होता है, और कंपेयर करके देखेंगे इनको के फाइल के साथ कि क्या दोनों में डिफरेंस होता है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर हरिशंकर सोनी विद डॉक्टर कल्पेश चंद्रवंशी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। सबसे पहले दिस इज़ अ के टाइप इंस्ट्रूमेंट। के टाइप इंस्ट्रूमेंट है, जैसे के फाइल्स होती है उस कैटेगरी का इंस्ट्रूमेंट है। इट इज़ यूज टू रीम द केनाल। केनाल को रीम करने के लिए यूज़ होता है, जैसे इसका नाम है रीमर्स, तो रीमिंग के लिए यूज़ होता है। तो सबसे पहले हम रीमिंग समझ लेते हैं क्या होता है। बेसिकली रीमिंग इज़ अ कटिंग प्रोसेस इन विच कटिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूसेस अ होल ऑफ वेरी एक्यूरेट साइज, बहुत एक्यूरेट साइज का होल प्रोड्यूस करता है, तो उसको हम रीमिंग बोलते हैं। आगे समझते हैं, कट्स बाय किस मोशन में ये कटिंग करता है केनाल की। तो सबसे पहले हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्टिंग, देन ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग हम करते हैं क्लॉकवाइज और देन एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद हम करते हैं विड्रॉइंग। तो इंसर्टिंग, ट्विस्टिंग और विड्रॉइंग। तो जिस पैटर्न से ये कटिंग करता है वो होता है बेसिकली पिनिट्रेशन, देन रोटेशन एंड रिट्रैक्शन। आगे चलते हैं, लेसर नंबर ऑफ फ्लूइड्स देन फाइल्स। जो के फाइल्स होती है उनसे लेसर नंबर ऑफ फ्लूइड्स होते हैं, के फाइल से फ्लूइड्स कम होते हैं, अभी देखेंगे हम इसको। इसके बाद कटिंग एफिशिएंसी, सेम कटिंग एफिशिएंसी है जो के फाइल्स की और रीमर्स की दोनों की सेम होती है, लेकिन एडवांटेज ये होता है बेटर रिमूवल ऑफ डेब्रिज। फ्लूइड्स कम होते हैं, एरिया ज़्यादा होता है, स्पेस ज़्यादा होता है, इसलिए डेब्रिज ज़्यादा अच्छे से रिमूव हम कर पाते हैं रीमर्स से। तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो चलिए समझते हैं इसको, इसे कलर कोडिंग में आती है, ये देख लीजिए। तो खोल लेते हैं, तो इसकी जो कलर कोडिंग होती है सेम के फाइल्स के जैसे ही होती है, वाइट, येलो, रेड, ब्लू, ग्रीन एंड ब्लैक। के फाइल्स के बारे में, एच फाइल्स के बारे में अगर डिटेल्स में जानना चाहते हैं, आरसीटी के बारे में डिटेल्स में समझना चाहते हैं, तो उस पर भी वीडियो बनाए हुए हैं पहले, वो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक से देख सकते हैं। साइज़ भी जो होता है वो सेम ही होता है, जो वाइट है वो 15, देन 20, 25, 30, 35 एंड 40, फिर इसके बाद 45, फिर से वाइट से स्टार्ट हो जाता है। ये 45 से 80 तक के साइज़ की है, 45, 50, 55, 60, 70 एंड 80। तो चलिए इनको देख लेते हैं, इनके फ्लूइड्स कैसे होते हैं। तो एक बार पास से देख लीजिए इनके फ्लूइड्स को कैसे होते हैं। अब एक हम इनमें से ले लेते हैं, ये 45 नंबर है, जैसा हमने अभी कलर कोडिंग और साइज इसका इनका सभी का समझा। और यहाँ पर कंपैरिजन के लिए मैं एक 45 नंबर की के फाइल रख रहा हूँ, ये के फाइल है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में, के फाइल में और रीमर्स में। ये देखेंगे आप, दोनों एक ही साइज़ के हैं, इसके जो फ्लूइड्स हैं के फाइल्स में कितने ज़्यादा है, सर्कुलर है, और रीमर्स में फ्लूइड्स कम होते हैं, इसलिए स्पेस ज़्यादा होता है, तो डेब्रिज ज़्यादा अच्छे से क्लीन हो पाती है, ज़्यादा अच्छे से निकल पाती है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ, और जाने से पहले सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।